नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश क्लास 6 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है। तो वर्कशीट का टॉपिक वही है, काइट फ्लाई करती है स्काई में। थिंक सम स्पेशल डेज इन अ ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट। कब उड़ाते हैं लोग? तो देखिए, इंडिपेंडेंट डे पे उड़ाते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे पे उड़ाते हैं। इसके अलावा आप बताइएगा कि कब उड़ाते हैं लोग काइट को, ठीक है? और काइट को कलर भी करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड। वर्ड दिए हुए बॉक्स के अंदर ना, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। अ डैश अ काइट लुक्स ब्राइट। यहाँ क्या आएगा? न्यू हाइट शिफ्ट विंड स्ट्रिंग ब्लोज एयर। तो न्यू आएगा, एक न्यू काइट है, वो ब्राइट दिखती है स्काई में। एज इट डिप्स एंड डाइव्स इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ। स्ट्रिंग्स को पुल करती है लाइक अ, किसकी तरह उड़ रही है? लाइक अ शिप ऑन द वेव्स। हाइट शिप विंड स्ट्रिंग ब्लोज एयर, तो यहाँ पे आपको बताना है। द विंड हेल्प्स इट टू राइड एंड रीच द मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट। यहाँ आएगा, ठीक है? और यहाँ पहले वाले पे आप शिप भर लीजिए। द काइट रेस्ट एट टॉप। टॉप पे, स्काई में टॉप पे जाके रेस्ट पोजिशन में हो जाती है। वेन द क्या फॉल होती है? विंड फॉल हो जाती है, यानी रुक जाती है थोड़ा सा। ठीक है, यू विंड द डैश ऑफ द काइट व्हेन इट्स लीव्स। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज यू अनविंड इट अगेन। नई हवा बहती है तो यहाँ पे ब्लोज आएगा। अब बस द एयर और स्ट्रिंग। द न्यू विंड फिल द विंग्स ऑफ द काइट विद, किससे भर देती है? विद एयर, ठीक है? यहाँ एयर आएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अगर पूरी पोएम पढ़ेंगे तो आपको पूरे ब्लैंक्स पता चल जाएंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मैच द वर्ड फ्रॉम द पोएम टू देयर मीनिंग्स। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? चोटी, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? फड़फड़ाना, फ्लटर करना कहलाता है फ्लैप, ठीक है? अगला क्या है? रेग डर्ड, मतलब रेग डर्ड और स्लेक दो वर्ड आए हैं इसके अंदर, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है टॉर्न और स्लेक है लूज। तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग। नाउ थर्ड है, पिक द वर्ड, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ द पोएम। न्यू, न्यू का क्या था? ब्लू न्यू बन रहा है, वैसे तो न्यू का फ्यू होना चाहिए। ब्लोज का आप देखिएगा, पोएम को निकालना पड़ेगा एक बार। हाँ, तो राइमिंग वर्ड्स ये हैं पोएम के। न्यू का ब्लू, गो ब्लोज गोस, टेल सेल, सी का वैसे ब्री और कोई दिख नहीं रहा है तो ब्रीज ही होगा यहाँ पे, ठीक है? नाउ क्वेश्चन के आंसर, रीड द स्टेंजा, इसको पढ़ना है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्लू मतलब आसमान में कितना ब्राइट नजर आती है काइट, कितनी काइट जब न्यू होती है और डाइव करती है, डिप करती है, अपनी टेल को लहराती है, सोर्स लाइक अ शिप, शिप में उड़ती, मतलब शिप की तरह हवा में फ्लाई कर रही है। विद ओनली अ सेल ओवर एज ओवर टाइड्स एंड ऑफ विंड्स राइड्स। विंड्स पे, हवाओं पे राइड करती हुई जाती है काइट, और क्रेस्ट पे चढ़ी जाती है, माउंटेन पे यानी ऊपर चली जाती है, और वहां पे जब आप इसकी रस्सी खींचोगे तो लगता है कि वो रेस्ट पोजिशन में आ गई है। क्वेश्चन के आंसर, वेयर इज द काइट। काइट कहाँ है? काइट इन द स्काई में, देखिए हेल्प बॉक्स दे रखा है ना। वट डज द वर्ड सोर मीन्स। सोर मीन्स क्या होता है? टू फ्लाई लाइक अ शिप, यानी राइज लाइक अ शिप,
व्हाई डज द काइट सोर हाई, वो हाई क्यों जाती है, तो ये पूरा लिखेंगे द काइट सो हाई ड्यू टू द पावर ऑफ द विंड, पूरा यहां तक लिखिएगा ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड फॉल्स, व्हेन द विंड फॉल्स पूरा लिखिए द काइट सीम्स टू बी रेस्ट ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा और पूरी लाइन बन जाएगी आपकी। स्टेट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, स्टैंजा में दिख रहे हैं आपको राइमिंग वर्ड, देखिए डिप का है, डिप का शिप आपको मैं दिखा देती हूं, डिप शिप टेल सेल, टेल सेल ठीक है, क्रैश्ड रेस्ट तो आप लिख सकते हैं क्रैश्ड रेस्ट, अगर कोई और राइमिंग वर्ड्स है इसके अंदर ठीक है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके अंदर दिख रहा है मुझे लेकिन मैं लिख नहीं रही हूँ। और साथ में वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।